वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निखिल फ्रॉम करियर किक सर्विसेज। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईटी राउरकेला के बारे में। तो इस पे हम लोग आप एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कि ये कॉलेज कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, इसका कैंपस एरिया कैसा है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इस पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल, यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, और इसका फ़ी स्ट्रक्चर कितना है, और रेस्ट ऑफ देम यहाँ पर प्लेसमेंट कितनी होती है, एवरेज कितनी है, हाईएस्ट कितनी है, और यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की बात करोगे तो 1961 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और ये उड़ीसा में है। अगर हम बात करें इसकी कैंपस की तो 600 एरिया अराउंड इसका कैंपस एरिया है। अब अगर हम बात करें कैंपस का, काफ़ी अच्छा है। NIT ये सेकेंड नंबर पर NIT आती है हमारी टॉप 10 की जो लिस्ट है इसकी। अगर NIROP की बात करोगे तो इसकी NIROP रैंकिंग 2019 की 16 है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका मोड ऑफ एडमिशन क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन जनरल सिंपल है, JEE के बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। जब हम लोग JEE दे लेते हैं तो उसके बाद एक हमारा काउंसलिंग होता है जोसा और CSAP का, तो उसके बाद हमको उसमें पार्टिसिपेट करना होता है, तो उसमें हमारी अलॉटमेंट आती है। अब अगर हम बात करें कि सर 12th में परसेंटेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, तो सबसे पहला परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 75% तो आपका होना ही होना चाहिए एटलीस्ट। रेस्ट ऑफ देम अगर आप किसी सब कैटेगरी से हैं तो 65% भी आपका चल जाएगा, जस्ट लाइक SC ST एंड PWD। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि सर अगर हमारी इस क्राइटेरिया में हम नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से हैं तो आप टॉप 20% की लिस्ट में आप आ रहे होंगे, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आप इस एग्ज़ाम में आराम से अपीयर हो सकते हैं और इसके आपके फिजिकल वेरिफिकेशन में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इट्स बीन फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम पे जब आपकी अलॉटमेंट हो जाती है तब एक फिजिकल रिपोर्टिंग होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब अगर हम बात करें आगे फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पर फी स्ट्रक्चर हमारा नॉर्मली 1.6 लाख पर ईयर पर यहाँ पर फी स्ट्रक्चर है। नॉर्मली यहाँ पर हॉस्टल, एक्चुअली इन जनरल मैं फी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ बिकॉज NIT का फी स्ट्रक्चर कैटेगरी वाइज भी होता है, कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है। SC ST वाले बच्चों के लिए मोस्टली ऑलमोस्ट सारी फीस यहाँ पर माफ़ कर दी जाती है। रेस्ट ऑफ देम अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट पे भी डिपेंड करता है कि इनकम सर्टिफिकेट आपका कितना है या आपकी पेरेंटल इनकम कितनी है, तो उस पर भी फीस डिपेंड करती है। अगर आपको एग्जैक्टली इनका फीस स्ट्रक्चर या हॉस्टल की फीस आपको जाननी है, तो आपको इनको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। अब अगर हम यहाँ की एवरेज पैकेज की बात करें तो यहाँ पर 13 से 15 लाख के बीच में इसकी एवरेज प्लेसमेंट चली आती है। अब अगर यहाँ पर आप हाइएस्ट पैकेज की बात करोगे तो आपकी 41 लाख लास्ट ईयर इसकी हाइस्ट पैकेज की हुई है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यहाँ पर ब्रांचेस कौन कौन सी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं CS, EC, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और केमिकल, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इन, और EI भी है यहाँ पर, सेरेमिक इंजीनियरिंग भी है, माइनिंग इंजीनियरिंग भी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी है यहाँ पर, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग भी है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी है यहाँ पर। तो प्रॉपर आपका यहाँ पर सीट मैट्रिक स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेस्ट ऑफ देम अगर आपको इस कॉलेज की अगर आपको एग्जैक्टली कट ऑफ जाननी है लास्ट ईयर की, तो आपको मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। करियर किक सर्विसेज के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। फिलहाल मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जाइए उसको इंस्टॉल करिए, और बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको वहाँ पर एग्जैक्टली कट ऑफ्स मिल जाएंगी, कॉलेज के रिगार्डिंग आपको हर एक कॉलेज की डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप वहाँ पर बात करो कि वहाँ पर JEE के सैम्पल पेपर्स भी अवेलेबल हैं। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक, और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक फिलहाल JEE एस्पिरेंट्स के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, और बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी जो हमारे 12th में हैं, जो 12th CBSE में हैं, तो आपके लिए मैंने अभी एक न्यू चैनल स्टार्ट किया हुआ JEE गुरु मंत्र। तो आपको उस चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। उस पर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चल रही है कि आपको बोर्ड में कैसे 95% या 90+ स्कोर करने हैं, ताकि आपको काफ़ी सारे कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल पाए। तो इस पर भी आप लोग अगर प्रॉपर फुल प्लान और स्ट्रेटेजी उसका फॉलो करते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। रेस्ट ऑफ देम JEE वाले बच्चों के लिए JEE लेवल की भी उस पर वीडियोज लेक्चर आ रहे हैं, तो प्रॉपर आप उस पर फोकस करेंगे तो आप JEE भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक, और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से कॉलेज रिव्यू रिगार्डिंग, काउंसलिंग रिगार्डिंग, JEE के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स अगर आपको पानी है, तो सबसे पहले पानी तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। बाय बाय।